अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा। आप में से अक्सर लोग सुन चुके होंगे कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस एजाजुल अहसन साहब को इस्तीफा देने पे मजबूर कर दिया गया है। एजाजुल अहसन साहब ना सिर्फ सीनियर मोस्ट जज थे बल्कि उस कमेटी का हिस्सा थे जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के एक्ट के बाद काजी फायजीसा साहब ने बनाई थी और जो बेंचेस की फॉर्मेशन करती थी। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अक्टूबर 2024 में जनाब एजाजुल अहसन साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनना था और इस पोजीशन पे उन्होंने अगस्त 2025 तक उन्होंने रहना था। यूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कन्फिग्रेशन में उसके बैलेंस ऑफ पावर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तब्दीली आ गई है। 36 घंटे के अंदर अंदर ये दूसरे जस्टिस हैं जिन्हें रिजाइन करने पर मजबूर कर दिया गया है। इससे पहले मजहर अली अकबर नकवी जो हैं उन्हें रिजाइन करने पर मजबूर किया गया। आपको याद रहेगा कि ये वही 4 जस्टिसेस हैं, एजाजुल अहसन साहब उस बेंच को हेड कर रहे थे, जिसने फौजी अदालतों के सिविलियंस के ट्रायल बाय द मिलिट्री कोर्ट्स की मुखालफत के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन दिया था। उसमें एजाजुल अहसन साहब उसको हेड करते थे, मजाहिर अली अकबर नकवी उनके साथ थे, मुनीब अख्तर उनके साथ थे और उसमें आयशा मलिक थी। तो ये वो बेसिकली, और उसमें याहिया अफरीदी साहब भी थे जिन्होंने एक छोटा सा इख्तलाफी नोट भी थोड़ा सा उसमें लिखा था, लेकिन वो इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। ये वो ग्रुप है जिसे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल का ग्रुप समझा जाता है। यही वो ग्रुप था जो अप्रैल के बाद, पहले तो उन्होंने जाने दी इमरान खान की हुकूमत, लेकिन उसके बाद उन्होंने बैलेंस ऑफ पावर को करेक्ट करने के लिए, पाकिस्तान के आईन, जमहूरियत, इलेक्शन को बचाने के लिए बहुत कोशिश की। लेकिन अब इस डीकैपिटेशन के बाद आप समझें कि इस पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के ग्रुप को लिक्विडेट कर दिया गया है, इसे बहुत कमजोर कर दिया गया है। इसकी क्या इम्प्लीकेशन है, ये हुआ क्या है, इसके बारे में वकला क्या कह रहे हैं, मेरा अपना एनालिसिस क्या है, मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। दूसरी थोड़ा सा डेवलपमेंट्स का जिक्र कर दूँ। एक आपको ये भी बता दूं कि मैं इस वक्त जल्दी ये सेमिनार इसलिए कर रहा हूँ, और ये कपड़े कुपड़े आपने कभी मुझे देखा ही नहीं सूट शूट के साथ, ये मैं इसलिए क्योंकि मुझे अब से थोड़ी देर में एक कांग्रेस की बिल्डिंग में पहुंचना है जहाँ पाक पैक ग्लोबल जो एक पाकिस्तानी ग्रुप है, पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कुछ कॉन्ग्रेशनल टीम्स के साथ मिलकर पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से एक सेमिनार जो है ऑर्गेनाइज किया है इनसाइड द बिल्डिंग ऑफ द कांग्रेस, और उस सेशन को मैं मॉडरेट कर रहा हूँ। उसकी तफसीलात भी मैं आपसे शेयर कर सकूंगा, अगर उसकी कोई फुटेज वगैरह होगी तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। शायद वहां से कोई लाइव ब्रॉडकास्ट वगैरह का भी उनका प्लान होगा। लेकिन कमिंग बैक टू इट, दूसरी इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है आज के दिन की, वो है जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल आखिर पेशावर हाई कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक तोहीनी अदालत और कंटेम्प्ट की पिटीशन मूव की है, जिसकी समाअत कल फ्राइडे के दिन होगी। और उसकी वजह बेसिस ऑफ कोर्स ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक पेशावर हाई कोर्ट के 10 जनवरी के शॉर्ट ऑर्डर को इंप्लीमेंट नहीं किया, जिसमें कहा गया था कि इलेक्शन का सर्टिफिकेट जो है, तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट जो है, उसे फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर रखा जाए। ये डेवलपमेंट है। तीसरी जो डेवलपमेंट है पाकिस्तान के हवाले से, वो ये है कि अब से आज के दिन जहां हम बोल रहे हैं, अमेरिका के अंदर इस वक्त सुबह के 11:30 बज रहे हैं, लेकिन आज ही के दिन में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बोर्ड की मीटिंग होनी है, और पाकिस्तान का जो सेकेंड ट्रांश है $3 बिलियन के स्टैंड बाय एग्रीमेंट का, उसे अप्रूव करना है, जिसका इन प्रिंसिपल स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो पहले हो चुका हुआ है। जब ये पैसे पे हो जाएंगे तो उसके बाद सिर्फ 1100 मिलियन डॉलर बाकी रह जाएंगे, और फिर पाकिस्तान को एक अगले IMF प्रोग्राम की तरफ जाना है। इस IMF प्रोग्राम की सिग्निफिकेंस पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में यह है कि लोग ये समझते हैं कि एक बार पैसे मिल जाएंगे तो उसके अंदर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर मजीद तोड़फोड़ जो है की जाएगी। मैं उसकी मजीद तफसीलात भी आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं वापस आऊँ जस्टिस एजाजुल अहसन की तरफ और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की तरफ, मैं आपको बता दूँ कि इंटरनेशनली स्पीकिंग सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो है जहाँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हेग में, हॉलैंड के शहर में, वहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से समात की इसराइल के खिलाफ साउथ अफ्रीका की उस एप्लीकेशन की, जहां साउथ अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ एक केस मूव किया है कि इसराइल और इसराइली डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो गाजा के अंदर जीनोसाइड कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये बहुत ही मजबूत केस है, इसराइल बड़ा डिफेंसिव के ऊपर है, बहुत अपोलोजेटिक है, इसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जरूर निकलेंगे। तहम ये भी जहन में रखिए कि अब इसराइल ने पहला काम तो ये किया है कि हेग के अंदर एक बहुत बड़ा मुजाहरा करवाया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इस पिटीशन के खिलाफ और साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिसमें हमास ने जिन लोगों को कत्ल किया, जो कुछ हमास ने ज्यादतियां की 7-8 अक्टूबर को, उसकी बहुत सी तस्वीर और पोस्टर जो है लोगों ने उठाए हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ से साउथ अफ्रीका की पिटीशन की सपोर्ट में भी बहुत सी रैलीज जो है हेग के अंदर निकल रही हैं। जहन में रखिए कि गुज़िश्ता 24 घंटों में, 48 घंटों में जो इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है और जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA है, ये लगे हुए होंगे कि वो जो जजेस जितने भी हैं, जस्टिसेस आई थिंक पता नहीं 12 हैं या 17 हैं, जितने भी जस्टिसेस हैं,
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, उन सब की रिकॉर्ड इन्होंने पहले ही बनाए हुए होंगे कि किस जज ने किस जमाने में बचपन में कहीं शराब पी ली थी, किसका ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था, किसका किसी औरत के साथ अफेयर था, किसके बच्चे ने कोई किसी का सर फाड़ा था, किसी की बीवी का किसी के साथ अफेयर था। और इन्हीं दिनों में जब ये प्रोसीडिंग हो रही है, इन जज साहिबान से भी बाज़ लोगों की मुलाकात होगी जो मुख्तलिफ फाइलें इनके सामने रखेंगे जिस तरह से हमारे यहाँ होता है, और उनको बताएंगे कि भाई आपकी ये चीज़ जो है ये न्यूयॉर्क टाइम्स को या प्रेस को या फॉक्स को या एक्सियस को जो है वो दी जा सकती है और आपका सारा कैरियर जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ भी दरपर्दा डेफिनेटली तौर पर हो रही होगी, मगर इसके बावजूद इसका इफेक्ट ये होगा कि इसराइली डिफेंस फोर्सेज जिस किस्म की वॉर कंडक्ट कर रही हैं इस वक्त गाज़ा में, उसकी नेचर और फॉर्म में आप आने वाले दिनों में तब्दीली देखेंगे, बिकॉज कुछ भी हो इसराइल इस वक्त बहुत सख्त डिफेंसिव के ऊपर है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का इस प्ली को सुनना ही जो है वो बहुत बड़ी बात है। यहाँ एक मोमेंट ऑफ शेम भी है, ये मुकामे शर्म है सऊदी अरब के लिए, मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए, जॉर्डन के लिए, इजिप्ट के लिए, कतर के लिए, तुर्की के लिए, और सबसे भड़के पाकिस्तान के लिए, इन तमाम ममालिक के लिए जो इस किस्म की कोई चीज़ ना कर सके। और साउथ अफ्रीकन्स जो हैं उन्होंने इस चीज़ को एहसास किया कि जो कुछ हो रहा है जी गाज़ा के अंदर वो बेसिकली जीनोसाइड भी है और वो नस्ली इम्तियाज़ है। जो कुछ हो रहा है वो एक नस्ली इम्तियाज़, एक रेशियल हेट्रेड की एग्जांपल है। पर ये एग्जांपल थी, इंटरनेशनल ये डेवलपमेंट थी। उसके अलावा से मैं वापस आता हूँ जस्टिस एजाज़ुल अहसन साहब के हवाले से। देखिए जस्टिस एजाज़ुल अहसन साहब की पहले तो इम्पोर्टेंस देखें, सीनियर मोस्ट जज थे, उस कमेटी का हिस्सा थे जिसमें तीन सीनियर मोस्ट जजेस हैं, काजी फायज ईसा साहब और सरदार तारिक मसूद साहब के साथ, जो बेंचेस का फैसला करती थी। और बात है कि बेंचेस सारे सरदार तारिक मसूद और काजी फायज ईसा साहब मिली के बना रहे थे, और सरदार तारिक मसूद साहब की उसमें कोई से नहीं थी। सरदार तारिक मसूद साहब मार्च 2024 में, अब से कोई एक डेढ़ महीने के बाद, रिटायर हो रहे हैं, और वो बेसिकली टोटली कॉपरेट करते थे काजी फायज ईसा साहब के साथ। और एजाज़ुल अहसन साहब की बहुत बड़ी ग्रीवेंस थी कि उस बेंच में उनको सुना नहीं जा रहा। और इसके बाद अब मंसूर अली शाह साहब, जिनको अगले साल जब एजाज़ुल अहसन साहब ने रिटायर होना था समवेयर इन दी अगस्त 2025, उसके बाद मंसूर अली शाह साहब को कोई तकरीबन दो बरस के लिए चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन अब मंसूर अली शाह साहब इसी साल सितंबर में या अक्टूबर के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे, और यूं तकरीबन ढाई बरस मेरा ख्याल है कम अज़ कम मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। और उनका झुकाव जो है नवाज शरीफ साहब की तरफ और PMLN की तरफ एक वाज़ह तौर पर समझा जाता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है कि मैं थोड़ा सा, मुझे इसमें सम अप करने दीजिए, पिछले 36 घंटों के अंदर ये दूसरे जज हैं, सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के, जिन्हें रिज़ाइन करने पे मजबूर किया गया है। इससे पहले मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जिन्हें फंसाया गया था, मैंने कई वी लॉग्स में इसका जिक्र किया कि मज़ाहिर अली अकबर के अच्छे बुरे होने का कोई मसला नहीं था। मसला ये था कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंटरनल पावर डायनेमिक्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं उनको टारगेट किया गया है। अच्छा, अब जो या चार, वैसे तो एक सीनियर मोस्ट बहुत ही रिस्पेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने मुझसे इन कॉन्फिडेंस जब मैंने उनसे पूछा कि एजाज़ुल अहसन साहब ने क्यों रिज़ाइन किया, तो उन्होंने मुझे एक सिंपल सा जवाब दिया। उन्होंने कहा ही वॉज थ्रेटन्ड, उन्हें थ्रेटन किया गया। ये और बात है कि और वकला जो हैं उन्होंने चार किस्म के रीज़न्स मुझे दिए हैं, वो मैं चारों रीज़न्स आपको बता देता हूँ। एक तो काजी फायज ईसा साहब और एजाज़ुल अहसन साहब के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। काजी फायज ईसा साहब मसलसल एजाज़ुल अहसन साहब को टारगेट कर रहे थे। काजी फायज ईसा साहब ने कुछ ऐसा पहले एजाज़ुल अहसन साहब को एक खत लिखा, उसको पब्लिक कर दिया, जिसमें एजाज़ुल अहसन साहब को कहा कि आपको तनख्वाह 6 दिन की मिलती है लेकिन आप लाहौर चले जाते हैं और छठे दिन काम नहीं करते। उस पर एजाज़ुल अहसन साहब ने लोगों को ये कहा कि मैं इसका जवाब इसलिए नहीं देना चाहता बिकॉज मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर के ऑप्टिक्स और डायनामिक्स और यूनिटी जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। उमर अता बंदयाल का भी जो बेसिक आर्गूमेंट था, जो उनके बाज करीबी जज साहिबान ने, जो उनके रुफ़ाकार हैं, उन्होंने मुझसे शेयर किया कि उमर अता बंदयाल जब अप्रैल में मजबूर हुए थे इमरान खान की हुकूमत को हटाने के लिए कासिम सूरी के केस में, उस वक्त भी चूंकि काजी फायज ईसा साहब ने खत लिखा था और सुप्रीम कोर्ट के एक पूरे ग्रुप को चीफ जस्टिस के खिलाफ इकट्ठा कर दिया था, चीफ जस्टिस के घर में एक मीटिंग हुई थी, और उमर अता बंदयाल साहब की हमेशा ये कोशिश थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुत्तहद रखा जाए, उसको यूनाइटेड रखा जाए। दूसरी एग्जाम उसकी वजह ये थी कि जो बेंचेस हैं वो काजी फायज ईसा साहब ने कहा तो ये था कि मैं कंसल्टेशन करूंगा, एक उन्होंने कमेटी बनाई हुई थी फॉलोइंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एंड एक्ट, लेकिन बनाते वो सारे बेंचेस खुद ही थे। जैसा कि आपने देखा कि तमाम इंपॉर्टेंट बेंचेस जो हैं जब भी उनको जरूरत होती थी वो एक ऐसा बेंच बनाते थे जिसमें वो खुद होते थे, सरदार तारिक मसूद होते थे, मंदोखिल साहब होते थे या आफरीदी होते थे, मुसरत हिलाली होती थी या अमीनुद्दीन जस्टिस अमीनुद्दीन होते थे, तो वो कंट्रोल उनको उन्होंने खुद ही रखा था, वो किसी और की सुनते नहीं थे।
दूसरी जो तीसरी जो बहुत बड़ी ग्रीवेंस थी जनाब इजाजुल एहसन साहब की, जिसके हवाले से उन्होंने 2-3 दिन पहले मज़ाहिर अकबर नकवी के रेजिग्नेशन से पहले उन्होंने एक अपना नोट जो है वो भी पब्लिश किया, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से मज़ाहिर अकबर नकवी को निकाला गया है, खुद काजी फायज ईसा साहब जो हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाने की इजाज़त मिली, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के एक लार्जर बेंच में अपना केस लेके गए 2019-20 में, जहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने उनको रेस्क्यू किया। ये और बात है कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब बाहर से पावर डायनामिक्स को मैनेज कर रहे थे, लेकिन इजाजुल एहसन साहब का कहना यह था कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी को जिस तरह से निकाला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, इससे सुप्रीम कोर्ट तबाह हो रही है, एक जुल्म है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है, उसके सारे डायनामिक्स जो हैं उनको डिस्टर्ब कर दिया गया है, और वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा नालां थे, और उन्होंने इस चीज़ का इजहार भी किया इन राइटिंग। फिर जो उनकी बहुत बड़ी ग्रीवेंस थी जो भी हाल में हुई है पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में 10-15 दिन में, कि उन्होंने कहा कि जो बेंच जिसको वो हेड कर रहे थे, जिसने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से द ट्रायल ऑफ सिविलियंस बाय द मिलिट्री कोर्ट के हवाले से इस बेंच ने फैसला दिया, इस बेंच को इजाजुल एहसन साहब हेड कर रहे थे, उनके साथ मुजीब अख्तर थे, उनके साथ मज़ाहिर अली अकबर नकवी थे, उनके साथ आयशा मलिक थी, और उनके साथ याह्या आफरीदी थे। इस बेंच का जो डिसीजन था टू दी एक्सटेंट, वो एक यूनानिमस डिसीजन था 5-5 बेंच का कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट से नहीं हो सकता। अगर उसमें कोई इख्तलाफ था याह्या आफरीदी साहब का, तो वो आर्टिकल 2D, 2D1 और 2 के हवाले से था, लेकिन उसको जितने 10 मिनट की बगैर किसी कंसिडरेशन के एक लार्जर बेंच से काजी फायज ईसा साहब ने उसको सेट असाइड करवाया, उस पर इजाजुल हक इजाजुल जो इजाजुल एहसन साहब के बहुत तहफात थे। वो इस मामले में जो वकला बताते हैं सीनियर की, वो बहुत अपसेट थे, उन्होंने बहुत लोगों से कहा कि सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, ये किस तरह से हो सकता है कि इतना बड़ा एक डिसीजन जो है उसको आप 10 मिनट में बगैर किसी एप्लीकेशन माइंड के सेट असाइड कर दें अंडर द इस्टेब्लिशमेंट प्रेशर के आपके ऊपर प्रेशर आया। तो ये उनकी ग्रीवेंसेस थी। ये तो होगी मैंने बता दिया। अब सिचुएशन क्या है कि जो ग्रुप था, जैसे मैंने आपको बता दिया कि उमर साहब बंदयाल साहब का सारा ग्रुप जो है उसको लिक्विडेट कर दिया गया है। ग्रुपिंग आप थोड़ी सी देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, कि अगर उमर साहब बंदयाल साहब का ग्रुप में मैंने जैसे आपको बताया कि इजाजुल एहसन थे, मुनीब अख्तर थे, मज़ाहिर अली अकबर नकवी थे, आयशा थी, जो काजी फायज ईसा साहब का इस वक्त ग्रुप है उसके अंदर सरदार तारिक मसूद हैं जो अभी रिटायर हो जाएंगे मार्च में, उसमें मंदोखेल साहब हैं, उसके अंदर याह्या आफरीदी हैं, उसके अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन हैं, मुसर्रत हिलाली हैं, और उसमें मोहम्मद अली मज़हर हैं, जो एक न्यूट्रल ग्रुप आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर। उसमें ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं जो अब चीफ जस्टिस बनेंगे सेप्टेम्बर में, और उसमें अतर मिनल है। ये न्यूट्रल ग्रुप जो है ये इधर उधर स्विंग करता है, लेकिन ये बड़ा पढ़ा लिखा ग्रुप है। अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ एक आप जिसको एक वकला कहते हैं कि एक कॉन्शियसनेस जो है लॉ की, कॉन्स्टिट्यूशन की, वो आपको मंसूर अली शाह साहब के अतर मिनल्ला के अंदर बदरजा उत्तम नज़र आती है। और 22 दिसंबर का जो फैसला था, जिसमें एक इजाफी नोट भी लिखा, और जो फैसला था कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा है, साफ नज़र आ रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और एक पार्टी को अटैक किया जा रहा है, और लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए अदरवाइज इलेक्शन बेसूद हो जाएंगे, ये सारी की सारी फोर्स जो थी, जो मॉरल फोर्स थी, इसे अतर मिनल्ला लीड कर रहे थे। लेकिन अब जो ये डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, जिस तरह से मज़ाहिर अली अकबर नकवी को निकाला गया और जिस तरह से अब रिज़ाइन कर दिया इजाजुल एहसन साहब ने, अब आप समझें कि ये बहुत ही कमज़ोर, पहले ही ये सुप्रीम कोर्ट बहुत कमज़ोर थी, मैं तो अप्रैल 2022 से आपको मसलसल बता रहा हूँ, लेकिन अब इस कमज़ोर सुप्रीम कोर्ट को भी तोड़ फोड़ करके रख दिया गया है, और इसके सारे डायनामिक्स जो हैं वो एक्सटर्नली कंट्रोल हैं। काजी फायज ईसा साहब खुद बाहर से जो हैं उनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, एक तरफ वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ उनके जनाब नवाज शरीफ साहब के साथ रिलेशनशिप है। तो सुप्रीम कोर्ट की तमाम तर इखलाकी मॉरल हैसियत ख़त्म हो गई है, उसकी पावर, उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो गया है, और सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने में ऑनरेबल जज साहिबान का और पाकिस्तान की तमाम वकला बरदरी के जो इंपॉर्टेंट बार, जैसे पाकिस्तान बार काउंसिल है जिसमें पाशा साहब हैं, हारून रशीद साहब हैं, इसी तरह इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, इन सब ने मिलकर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को तबाह कर दिया। अब इस वक्त पाकिस्तान में फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस कोई सुप्रीम कोर्ट बची नहीं है जो एक बैलेंस ऑफ पावर या एक बैलेंस सिस्टम के अंदर जो है वो प्रोवाइड कर सके। अब इसमें जो देखने वाली बात है कि ये बैलेंस ऑफ पावर जो है, जाहिर है कि मिलिट्री ऑफिसर्स अपनी ट्रेनिंग की वजह से अगर किसी और चीज़ को समझते हैं या नहीं समझते, वो कम से कम क्लॉसविट्स की थीरीज और बैलेंस ऑफ पावर को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। ये और बात है कि पाकिस्तान के इंटरनल बैलेंस ऑफ पावर को डिस्ट्रॉय करते करते पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने दर हकीकत अपने लिए बहुत बड़े मसाइल जो हैं वो खड़े कर लिए हैं। बिकॉज जब आपको
एक एस्टेब्लिशमेंट को एक्सटर्नल रीजनल पावर्स के साथ डील करनी होती है, तो उसका सबसे बड़ा डिफेंस ये होता है कि उसके अपने मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट पोल्स एग्जिस्ट करते हैं, मल्टीपोलैरिटी एग्जिस्ट करती है, हम हर चीज़ नहीं कर सकते हैं, हमें रेजिस्टेंस है, हमारे यहाँ एक नेशनल असेंबली है, हमारे यहाँ एक सेनेट है, हमारे यहाँ हाई कोर्ट्स हैं, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, बहुत सी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, हमारे यहाँ एक आज़ाद मीडिया है, मीडिया बड़ा है, हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी, ये वो सब चीज़ें हैं जो किसी भी सोसाइटी के अंदर एक इंटरनल बैलेंस ऑफ पावर जो है वो क्रिएट करती हैं। यही बैलेंस ऑफ पावर आपको अमेरिका में नजर आता है, जहां अमेरिका का सारा सिस्टम जो कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया गया था 18वीं सदी में, उसकी बेसिक एसेंस ये थी कि आपने प्रेसिडेंट को और गवर्नर्स को आपने बांध के रखा हुआ है। आपने प्रेसिडेंट को कांग्रेस के जरिए, सेनेट के जरिए, हाउस के जरिए बांधा हुआ है, एक फ्री मीडिया के जरिए बांधा हुआ है, फिर आपने उसको 50 इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड गवर्नर्स के थ्रू बांधा हुआ है, गवर्नर्स को आपने बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स, यानी हर स्टेट के अंदर अमेरिका में सेनेट भी है और हाउस भी है, उधर से बांधा हुआ है, हर शहर जो है उसमें एक इंडिपेंडेंट मेयर है, पुलिस कमिश्नर्स इंडिपेंडेंट होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट अटर्नीज होते हैं वो इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड होते हैं, स्कूल बोर्ड्स इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड होते हैं। तो यूं अमेरिका के तूलो अरज में आप जहां जाएं, हर 10 मील के अंदर आपको एक नया, 12 मील के अंदर एक नया पावर सेंटर जो है वो नजर आता है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को अल्टीमेटली दुनिया के साथ डील करना है, नॉट ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान बट ऑल्सो इन द इंटरेस्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इटसेल्फ। लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जहां इंटरनल पावर बैलेंस को कंट्रोल करने में बड़ी चालाकी दिखाई है, बड़ी एफिशिएंसी दिखाई है, उन्होंने इफेक्टिवनेस दिखाई है, वहां वो ये समझने से कासर हैं कि ये सब कुछ करने के नतीजे में वो रीजनली और इंटरनेशनली कितने कमजोर हो गए हैं। जब हिंदुस्तान उनसे फैटफ के बाद अब एक्सट्रेडिशन मांग रहा है, मेरा ख्याल है हाफिज सईद की और भी इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो पाइपलाइन में आएंगी, और ये कुछ अरसे के बाद जाके, एंड माई हार्ट ब्लीड्स फॉर पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट। आपको पता है मैं तो इंट्रेंसिकली बूट पॉलिश हूँ, और इसी वजह से आज भी आपने देखा होगा कि 20 महीनों में हालांकि मैंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बहुत क्रिटिसाइज किया, लेकिन इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के जो फॉकटोटन्स और छोटे मोटे आते हैं, जो बेसिकली उनके आई बी के सब मेरा ख्याल तनख्वाहदार किस्म के मुलाजिम हैं, वो आके जितने भी कॉमेंट्स लिखते हैं वो मुझे वो माफ़ करने को तैयार नहीं है, बिकॉज उनको अच्छी तरह से पता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्रिटिसिज्म जो मोहित पीरज़ादा कर रहा है, बेसिकली हिज हार्ट इज विद द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, और ये पाकिस्तानी इसकी सारी इंटेलेक्चुअल थ्रस्ट जो है वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को प्रोटेक्ट करने में है। ये और बात है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ऐसी हाईजैक हुई है कि उनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि उनके अपने इंटरेस्ट किधर हैं, तो इंटरनल बैलेंस ऑफ पावर को डिस्ट्रॉय करके पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मसाइल में, अपने चैलेंजेस के अंदर बे इंतहा जो है इजाफा कर लिया है। जब आप अमेरिकन इंटरलोक फ्यूचर से कंग्रेशनल एड्स के साथ या मुख्तलिफ टीम्स के साथ बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी हमारे लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी काम करवाना है तो कौन कर सकता है हमारे लिए काम। ये सारी की सारी जो मैनेजमेंट है इंटरनल, हमें पाकिस्तान आर्मी के थ्रू करनी होती है, पाकिस्तान आर्मी इज जस्ट वन कॉल अवे फ्रॉम अस, ये वो कहते हैं, मतलब ये ऑफ द रिकॉर्ड वो कहते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम पोलिटिकल पार्टीज को डिलीवर नहीं कर सकती, प्राइम मिनिस्टर डिलीवर नहीं कर सकता, प्रेजिडेंट डिलीवर नहीं कर सकता, कोर्ट्स डिलीवर नहीं कर सकती, सिविल सोसाइटी डिलीवर नहीं कर सकती, और अगर हमको डिलीवरी चाहिए तो हमें डिलीवरी पाकिस्तान आर्मी से मिलती है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी इसी में शेड्यूस हो रही है, वो समझ नहीं रहे कि इसके अंदर उनके लिए खतरात किस किस्म के पिन हैं, कि जब सबको ये पता है कि आप इस तरह से डिलीवरी करते हैं तो फिर आप हाफिज सईद को क्यों हवाले नहीं कर रहे, जब आप इस तरह से डिलीवरी करते हैं तो आप कश्मीर के ऊपर डॉटेड लाइन के ऊपर साइन क्यों नहीं कर रहे, जब ऐसे करके आप डिलीवरी करते हैं तो फिर आप और 10 किस्म के मुतालबात जो हैं वो क्यों नहीं मानते, फिर आप चीन को फारिग क्यों नहीं करते, फिर आप हिंदुस्तान के साथ ट्रेड क्यों नहीं करते, फिर आप हिंदुस्तान को सेंट्रल एशिया की तरफ एक्सेस क्यों नहीं देते। तो अपने लिए बहुत शदीद मसाइल जो है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इस हवाले से खड़े कर लिए। अब इस मौके पे क्या होगा नेक्स्ट, अब ये जो इस वक्त ट्रांजिशन लाई गई है, जिस तरह से मज़ाहिर अली अकबर नकवी का तो निकालने का पहले से मंसूबा बना हुआ था, मकसद यही था कि बैलेंस ऑफ पावर को चेंज किया जाए, लेकिन इजाज़ुल अहसन साहब को जिस तरह से रिज़ाइन करने पर मजबूर किया गया है, ये कोई खाली इसके लॉन्ग टर्म नहीं है कि वो अगला ही खाली ऑफकोर्स अगला भी सोच रहे हैं कि अगले पूरे 1 साल में क्या होना है, 2 साल में क्या होना है, 3 साल में क्या होना है, लेकिन इसकी कुछ इमीजिएट इंपॉर्टेंस भी हो सकती है। जैसे अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली गई पेशावर हाईकोर्ट के पास अपनी पिटिशन लेके कंटेम्प्ट की, तो अब फौरी तौर पर आप देखेंगे कि मेरा ख्याल है अगले 24 घंटों में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा पेशावर हाई कोर्ट की ऑर्डर के ऊपर स्टे लेने के लिए, उसको वो स्टे मिल जाएगा, बिकॉज अब वो जस्ट सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा, ये पहले ही बहुत कमजोर थी लेकिन अब तो ये बिल्कुल टूटी फूटी फ्राइटेंड ठिठरी हुई एक सुप्रीम कोर्ट है, वो हर वो फैसला करेगी जो कि एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी। दूसरी इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जो काकड़ साहब ने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जनाब काकड़ कमेटी बनाई है 4 लोगों की, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिसमें इंटीरियर मिनिस्टर हैं, लॉ मिनिस्टर हैं और कोई और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, इस कमेटी ने 20-21 जनवरी को 14 दिन की गस्पन कार्रवाई के बाद एक रिपोर्ट देनी है, और इसको कहा गया है कि ये एक रिपोर्ट दे कि 9 मई के वाकया जो हैं उसकी साजिश किसने तैयार की,
उसको किसने एक्सिक्यूट किया, उसके फैसिलिटेटर्स कौन थे, एबेटर्स कौन थे। और मुझे खदशा यही है, मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि ये कमेटी यही रिपोर्ट लेके आएगी कि ये इमरान खान और पूरी तहरीक इंसाफ जो है इससे मिलकर ये पाकिस्तान की अफवाज और इंस्टीट्यूशन के खिलाफ साजिश की, हालांकि ये गलत है, ये एक नाटक था। और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में एक रिपोर्ट होगी जिस रिपोर्ट को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक रेफरेंस भी भेज सकते हैं। वो ये करते हैं या नहीं करते, उसकी वजह यह है कि डिफरेंट ऑप्शन जो हैं वो एक्सरसाइज हो रही हैं। जैसे महारंग बलोच को बैठा के रखा हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, बलोचिस्तान को शट डाउन करने की पॉसिबिलिटी भी एक्सिस्ट करती है। बल्ला और इंट्रा पार्टी इलेक्शन तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ऑप्शन भी अब सामने है। और तहरीक इंसाफ को एक दहशतगर्द जमात दे करार दे के सुप्रीम कोर्ट के पास रेफरेंस भेज के उसको सिरे से ही कालादम करार देने की पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है। अब वो सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी बची ही नहीं। अब मैं दावत देता हूँ उन तमाम वकला को, सीनियर लॉयर्स को, जो उस वक्त सपोर्ट करते थे अप्रैल 2022 के अंदर जो फैसले उमर रज़ा बंदयाल साहब से करवाए गए, जो उस फैसलों पर तालियां मारते थे, जो मीडिया में भी लोग हैं, ज़राए ब्लाग में हैं, एंकर पर्सनस हैं, ब्लॉग सफ़ीर के अंदर लोग हैं, ट्विटर पे हैं, और जो वकला थे और जो मीडिया के लोग थे जो इस पर तालियां मारते थे, अब वो मुड़ के देखें कि अप्रैल 2022 से अब तक पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की और सुप्रीम कोर्ट की कितनी तोड़फोड़ हो गई है, कहाँ उस वक्त हम खड़े थे पाकिस्तान में। ये एक हंसता बसता मुल्क था, ये एक मुल्क था जो चल रहा था, जिसकी एक सेंस ऑफ डायरेक्शन थी। यस, इसके प्रॉब्लम्स थे, इसके चैलेंजेस थे, इसके इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, बहुत इसके चैलेंजेस थे, लेकिन उस ये जो सफर हुआ है 20-21 महीने का, उसके बाद ये मुल्क आज कहाँ खड़ा है। कुछ घंटों में फिर आपसे मुलाकात होती है, मैं आपको ब्रीफ करूंगा। थैंक यू।